even get to cross. Hey guys, once again, welcome back to SIP Reviews. तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पांच ऐसी धमाकेदार मूवीज जिनमें आप लोगों को देखने को मिलने वाला है बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक्शन और एडवेंचर। और सबसे ज्यादा मजे की बात तो ये है कि ये सारी की सारी मूवीज एक से एक बढ़कर और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे बिना स्किप किए देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने काउंटडाउन को। लेकिन काउंटडाउन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इन सारी मूवीज के डाउनलोड लिंक्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो बढ़ते अपनी लिस्ट के नंबर 5 मूवी की तरफ जिसका नाम है मोजेन द वॉर्म वैली। दोस्तों इस मूवी को रिलीज किया गया था साल 2018 में और इस मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो इसके अंदर हमें स्टोरी देखने को मिलती है एक एंशिएंट ट्रेजर की। इस ट्रेजर के अंदर डार्गनबोन और म्यूजेन नाम की एक ऐसी चीज होती है जिससे कोई भी बीमारी ठीक की जा सकती है और यहीं पर हमें देखने को मिलता है प्रोफेसर ह्यूबाई जो कि इस चीज के बारे में जानकर इस चीज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और ये ट्रेजर किसी ऐसी वैसी जगह पर नहीं होता बल्कि एक बहुत ही एंशिएंट टॉम के अंदर होता है जो कि फुल ऑफ क्रिएचर्स होता है, बोले तो उसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स भरे हुए होते हैं और बहुत सारे ट्रैप्स भी होते हैं। अब ये प्रोफेसर अपनी टीम के साथ क्या उस चीज को ढूंढ भी पाएगा या ढूंढते ढूंढते मर जाएगा, ये सब तो पता चलेगा आपको इस मूवी को देखने के बाद। लेकिन आप लोगों को ये एक बात जरूर बताऊंगा कि इस मूवी को एक दफा ट्राई लाजमी देना क्योंकि इसके अंदर जो आप लोगों को VFX देखने को मिलते हैं, जो मॉन्स्टर और जो ट्रैप्स और वो जो एंशिएंट टॉम्ब देखने को मिलता है, वो आप लोगों को सुकून देने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो अभी जाकर इस मूवी को देखिए, आप लोगों को यकीनन बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। ये मूवी आप लोगों को मिल जाएगी डाउनलोड के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से और इस मूवी को IMDb पर रेटिंग दी गई है 4.8/10 की। तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट मूवी की तरफ जिसका नाम है बैटल ड्रोन। इस मूवी को रिलीज किया गया है साल 2018 में और इसमें हमें स्टोरी देखने को मिलती है राइकल नाम के एक बंदे की जो कि अपनी टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम कर रहा होता है। ये बंदा और इसकी टीम इतनी ज्यादा काबिल होती है कि ये जहां भी जाते हैं जीत कर ही वापस आते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि इन लोगों का सामना हो जाता है एक AI रोबोट से और ये रोबोट इन लोगों की पूंगी बजा कर रख देता है। असल में इन रोबोट्स को तैयार किया गया होता है CIA के द्वारा क्योंकि वो लोग बहुत ही तगड़ा वाला प्लान बनाते हैं राइकल और उसकी टीम को मारने के लिए। अब हम लोगों को इस मूवी के अंदर यही देखना है कि राइकल खुद को और अपनी टीम को किस तरह से इस रोबोट से बचाएगा, वो बचा भी पाएगा या नहीं, तो ये चीज एक्सपीरियंस करने में आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त किस्म का मजा आने वाला है। दोस्तों ये मूवी एक्शन लवर्स के लिए बहुत ही जबरदस्त किस्म की मूवी होने वाली है, तो इसे एक दफा ट्राई लाजमी देना। इसके अंदर जो जबरदस्त किस्म का AI वर्सेस ह्यूमन का एक्शन है ना, वो आउट क्लास किस्म का है। ये मूवी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई थी क्योंकि जो चीज मैंने एक्सपेक्ट करी थी इस मूवी से, उससे कुछ बढ़कर ही निकली ये मूवी। और इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी कैरेक्टर्स की और इसमें बहुत सारे फनी मोमेंट्स भी मिक्स किए गए हैं एक्शन के साथ और यूनिक स्लोमो शॉट्स भी आपको फाइट सीन्स के दौरान देखने को मिल जाएंगे जो कि इस मूवी को एक अलग ही लेवल दे देते हैं। तो अगर आप लोगों को एक्शन के साथ साथ साइफाई का एलिमेंट भी देखना है तो इस मूवी को एक दफा ट्राई लाजमी दीजिएगा, आप लोगों को यकीनन बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और इस मूवी को IMDb पर रेटिंग दी गई है 4.9/10 की। तो हमारी नेक्स्ट मूवी का नाम है रिवोल्ट। इस मूवी को रिलीज किया गया था साल 2017 में और इसके अंदर हमें स्टोरी देखने को मिलती है एक बहुत बड़े एलियन अटैक की जो कि अर्थ पर किया जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ी एलियन शिप आ जाती है अर्थ के ऊपर और उस एलियन शिप के अंदर से काफी सारे रोबोट्स निकल कर आते हैं बाहर जो कि इंसानों को मारते हैं और उन्हें किडनैप कर साथ ले जाते हैं। अब इससे आगे हमें देखना यह है कि इंसान किस तरह से खुद को और इस अर्थ को बचाते हैं इन एलियन से और वो बचा भी पाते हैं या नहीं, ये सब एक्सपीरियंस करने में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आप लोगों को पसंद है एक्शन साथ साथ साइफाई का एलिमेंट तो इस मूवी को एक दफा ट्राई लाजमी दीजिएगा, आप लोगों को इन दोनों एलिमेंट के बहुत ज्यादा शशके मिलने वाले हैं। ये मूवी आप लोगों को 100% बहुत ज्यादा पसंद आएगी और इस मूवी को IMDb पर रेटिंग दी गई है 5.3/10 की। तो अब हम आ चुके हैं अपनी टॉप 2 की मूवीज की तरफ और टॉप 2 की मूवीज बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यार, आप लोग न्यू क्रिएटर्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो, जरा सब्सक्राइबर्स तो देखो यार ऊपर, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, तो जो आप लोगों को सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा है लाल इसको दबाओ, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। खैर बढ़ते अपनी नेक्स्ट मूवी की तरफ जिसका नाम है रेप्लिकास। इस वाली मूवी को रिलीज किया गया था साल 2018 में। ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की थ्रिलर साइफाई मूवी है। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक साइंटिस्ट जिसका नाम होता है विलियम और ये विलियम नाम का साइंटिस्ट एक ऐसी चीज पे काम कर रहा होता है जिसके थ्रू मरे हुए इंसान की यादों को निकाल कर एक रोबोट में डाला जा सकता है। लेकिन अपने इस एक्सपेरिमेंट में ये कभी भी कामयाब नहीं हो पाता, हर दफा इसको फेलियर का ही सामना करना पड़ता है। और एक दिन ऐसा होता है कि ये अपनी फैमिली के साथ जा रहा होता है कहीं पर और इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें इसकी सारी फैमिली मर जाती है।
जाती है। इसके बाद विलियम ये चीज सोच लेता है कि वो अपनी सारी की सारी फैमिली को दोबारा से जिंदा करेगा, और इसके बाद वो अपने फ्रेंड की मदद लेता है और दिमाग से डाटा निकालने वाली मशीन के जरिए अपने सारे के सारे फैमिली मेंबर्स के दिमाग का डाटा कलेक्ट कर लेता है, और वो डाटा कलेक्ट करने के बाद इनकी क्लोनिंग को स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस चीज का एक और साइड इफेक्ट भी होता है, और ये साइड इफेक्ट आपको पता चलेगा इस मूवी को देखने के बाद। दोस्तों बस इतना बताऊंगा कि इस मूवी के अंदर आप लोगों को कमाल किस्म का थ्रिल और बहुत ही जबरदस्त किस्म का साइफाई का एलिमेंट देखने को मिलने वाला है। तो इस मूवी को एक दफा ट्राई लास्ट भी दीजिएगा, आप लोगों को यकीनन ये मूवी 110% पसंद आने वाली है। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग दी गई है 5.5 आउट ऑफ 10 की। तो बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की फर्स्ट एंड लास्ट मूवी की तरफ, जिसका नाम है वेयरवुड एपोकलिप्स। दोस्तों इस वाली मूवी को रिलीज किया गया था साल 2021 में। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी की स्टोरी की बात करूं तो इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलती है एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर सबके सब लोग जॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, और इन लोगों को ये बीमारी सिर्फ काटने से नहीं होती बल्कि मीठी नाम की एक ऐसी बारिश होती है जिसके थ्रू इनको ये बीमारी लगती है और सब लोग जॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस चीज से बच जाते हैं, और वो सारे के सारे मिलकर हाइब्रिड जॉम्बीज का शिकार करते हैं। हाइब्रिड जॉम्बीज से मुराद ऐसे जॉम्बीज जो कि आधे इंसान और आधे जॉम्बी होते हैं। दोस्तों इस मूवी के अंदर आप लोगों को जॉम्बीज के साथ साथ बहुत ही आउट क्लास किस्म का एक्शन और हॉरर का एलिमेंट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि इसको बहुत ही अलग लेवल पर ले जाता है। माना कि ये मूवी थोड़ी सी ओल्ड जरूर है, लेकिन ये अंडररेटेड मूवी है और बहुत ही कमाल की मूवी है जो आप लोगों को यकीनन पसंद आएगी। इसे आप लोग बिना झिझक अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए, और इस मूवी को IMDb पर रेटिंग दी गई है 5.5 आउट ऑफ 10 की। हां तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जबरदस्त किस्म की 5 धमाकेदार मूवीज, जो कि यकीनन आप लोगों ने अब तक नहीं देखी होगी। अगर नहीं देखी तो अभी जाकर देख लीजिए। अगर आप लोग भी देखना चाहते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बिना सिर्फ क्वालिटी कंटेंट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।